तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं, 7074870748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है, 1947 के बाद इतने चुनाव हुए आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी रिकॉर्ड आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी, उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा।